बुरा मत मानना, यहाँ आप और हम दोनों ही एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं। क्यों सारी दुनिया चाइना से घबराई हुई है, इसी से आपको समझ आएगा चाइना वाले दुनिया की फाड़ते कैसे। और यहाँ पर चाइना का विमान निकलेगा और ठोक देगा सामने वाले। जागो। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। कुछ कॉन्टेंट, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको बनाते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये यहां पर करंट सा महसूस होने लग जाता है। आज जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, यदि आज के इस शो को आपने एंड तक देखा तो आपको समझ आएगा कि कैसे चाइना ग्लोबल लीडर बना, उसके इतने इनोवेशंस का रहस्य क्या है, और क्यों सारी दुनिया चाइना से घबराई हुई है, और चाइना के विरोध में अलग अलग देश लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है चाइना हमको निगल जाएगा। कुछ साल पहले चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने देश के तमाम तेज दिमागों को एक जगह जमा किया। जी जिनपिंग वहां पर सामने आए, उन्होंने उन सारे बुद्धिमान लोगों को एक मिशन दिया, आने वाले 5 सालों में हमको कुछ डिसरप्टिव इनोवेशंस करने जिससे सारी दुनिया कांप जाए और उन क्षेत्रों में हम दुनिया में नंबर 1 हो जाएं, कोई हमारा हाथ भी नहीं पकड़ पाए। यहां पर यह जानकारी देना लाजिमी है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है। दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज किसी भी रेट पे बने, यदि उससे कम रेट पे बनवाना है, उससे तेज गति से बनवाना है, ज्यादा क्वांटिटी में बनवाना है और मल्टीपल वैरायटी में बनवाना है, तो सिर्फ एक देश समझ आता है, चाइना। लेकिन क्या ये परमानेंट जीत थी? जी जिनपिंग ये जानते थे दुनिया भर को कॉपी करने से हम ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करेंगे। यदि दुनिया में ट्रू बादशाहत चाहिए तो हमको इनोवेट करना पड़ेगा, और चाइना ने 5 साल का मिशन उठाया डिसरप्टिव इनोवेशंस का। अब यहां पर इंडिया को जरा साथ में कंपेयर कर लेते हैं, और भले आप चाइना के कितने भी बड़े विरोधी हों या मैं इंडिया का कितना भी बड़ा प्रेमी हूं, लेकिन इस वक्त हम दोनों को न्यूट्रल होकर यह सोचना पड़ेगा कि चाइना इतनी जल्दी इतना तेज इनोवेट कैसे कर रहा है। दुनिया में दूसरे देश जिस टेक्नोलॉजी की बात करते रहते हैं उसके मल्टीपल वर्जन चाइना बना के कैसे खड़ा कर देता है। यहां पर जरा इनका रिसर्च बजट देखिए। चाइना का रिसर्च बजट है $496.3 बिलियन। अब आपको लगेगा कि इंडिया इससे आधा होगा, इंडिया इससे एक चौथाई होगा, तो जरा कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इंडिया का बजट है $2.4 बिलियन। भाई साहब, $2.4 बिलियन की क्या तुलना हो सकती है $496 बिलियन से? और जब सारे देश की मशीनरी रिश्वत को एक किनारे रख के, ब्यूरोक्रेसी को एक किनारे रख के, पैसे की पूरी पावर लेके, काम करने की पूरी आजादी लेके जब इनोवेट करेगी तो वो बनाएगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो 5 चीजें मैं आज आपको इस उज्ज्वल पाटनी शो में बता रहा हूं, वो आपको हिला देंगे, सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ट्रू लीडरशिप क्या कर सकती है। आगे बढ़ने के पहले आपको याद दिला दूं, ये शो आप उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहां पर 600 से ज्यादा शोज हैं। यदि मुर्दा भी दिन का एक शो देख ले तो जिंदा होकर कुछ काम कर जाएगा, लेकिन आप करेंगे कि नहीं, यह बड़ा सवाल आपको खुद से करना है। आगे बढ़ने के पहले एक चीज और बता दूं, बिल्कुल जिस तरीके से चाइना का यह इनोवेशन है, मैंने भी एक नया प्रोग्राम इनोवेट किया है जिसका नाम है 5R। इंडिया का पहला नो नॉनसेंस प्रोग्राम जिसमें कोई ज्ञानबाजी नहीं होगी, सिर्फ एक चीज पे बात होगी, सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इसके सिवा कुछ नहीं। यहां पर एक बात और बता दूं, चूंकि 5R में फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, इसलिए जानबूझ के मैंने इसकी सीटें बहुत लिमिटेड रखी है, कॉस्ट बहुत लो रखा है, ताकि लोगों को ट्रू रिजल्ट मिल सके, जेन्युइन फीडबैक मिल सके। और वहां पर रात में आपको मेरे साथ डिनर करना है ताकि हम पर्सनल चर्चा कर सकें। तो अभी तुरंत क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करो, फोन नंबर पे फोन लगाओ, तुरंत अपनी और अपनी टीम की सीट बुक करो, ताकि चाइना वहां इनोवेट करेगा, आप यहां पर अपनी सेल्स में इनोवेट करोगे। तो अब आ रहे हैं हम चाइना की 5 दहला देने वाली इनोवेशंस में। और देखिए, जब सरकार साथ होती है और इंटेंट राइट होता है तो 5 साल कितना बड़ा होता है। CR-450 बुलेट ट्रेन। आप कहेंगे बुलेट ट्रेन तो चाइना में पहले से, बुलेट ट्रेन तो जापान में है, बुलेट ट्रेन कई जगह है, लेकिन जरा ठहर जाइए। यह नई बुलेट ट्रेन महज 5 साल में बनी, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी,
ये 20% कम एनर्जी लेती है। देखो बहुत बड़ी जीत है यहां पर, 20% कम एनर्जी बहुत बड़ा नंबर होता है। ब्रेकिंग में 20% ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब दुर्घटनाएं कम होगी। और वजन में ये 12% लाइट है, और जब ट्रेन हल्की होगी तो बढ़ेगा क्या स्पीड। इसी वजह से 450 किलोमीटर पर आवर के साथ महज 5 साल में दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन तैयार हो गई। और ये बना कितने साल में? जैसे ही जी जिनपिंग ने मिशन दिया, जी जिनपिंग ने कहा देश को ट्रांसपोर्ट की बेस्ट फैसिलिटीज दो, आदमी आसानी से एक कोने से दूसरे कोने जाएगा, सामान आसानी से एक कोने से दूसरे कोने जाएगा, व्यापार अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि व्यापार की सबसे बड़ी चाबी लॉजिस्टिक्स और इंफ्रा में छुपी होती है। अब इसी की तुलना में, बुरा मत मानना, यहाँ आप और हम दोनों ही एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको पता है वंदे भारत की डेजिग्नेटेड स्पीड 130 किलोमीटर है, और इस वक्त वंदे भारत जो अचीव कर रही है वो 85 किलोमीटर है। और पब्लिक का सिविक सेंस देखिए, एक दौड़ती भी वंदे भारत पे आज भी हिंदुस्तानी जनता पत्थर फेंक देती है या कोई कारण से ट्रैक पे कुछ डाल देती है जिससे ट्रेन डिले हो जाए। सी लानत है तुम लोग पे, लानत। सी चाइना का अगला इनोवेशन आर्टिफिशियल सन, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, भाई साहब चाइना ने कृत्रिम सूर्य बना लिया है। यहां तो हम अभी तक असली सूर्य का उपयोग कैसे कर रहे हैं ये सोच रहे हैं। अभी तक भी हमारे देश में कोने कोने तक बहुत धीरे धीरे सोलर पहुंच रहा है, लोगों को आज भी नहीं पता कि सोलर ठीक से क्या है, यहां पर कृत्रिम सूर्य बन गया। चाइना ने क्या किया, जी जिनपिंग बहुत तेज आदमी है, उन्होंने एक तरफ ये देखा लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ उनको समझ आया एनर्जी बहुत जरूरी है, और सन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि कभी सन भाई साहब ऑन रहते हैं, कभी ऑफ रहते हैं, कभी छुपे रहते हैं, तो वो कंटिन्यूस एनर्जी देने के लिए राइट नहीं है। यहां पर जी जिनपिंग ने अपने देश को मिशन दिया, कोई ऐसी चीज बनाओ जिससे सूर्य रिप्लेस हो जाए। और चाइना की तेज बुद्धियों ने मिलकर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस वाला सन बना दिया, और सबसे बड़ी बात ये लिमिटलेस कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये किसी मौसम पर डिपेंडेंट नहीं होगा। और नाम क्या दिया, प्रोजेक्ट ईस्ट। और टाइम कितना दिया, 5 साल। 5 साल के अंदर वहां के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल सन बना के अपने देश की गोद में डाल दिया। यहां पर पूरे भारतवासियों से सवाल है, क्या वाकई में हम इतना बड़ा सोच सकते हैं? क्या वाकई इस देश में ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है कि जो ऐसा सोचते हैं उनको काम करने का माहौल मिले? अभी जब मैं चाइना के इनोवेशन आपको बता रहा हूं, मैं अंदर से खुद हैरत में हूं कि विजनरी लीडरशिप क्या होती है और सही सपोर्ट क्या होता है। हजारों करोड़ खर्च करके वहां पर चैट जीपीटी बना, वहां पर ग्रोग बना, वहां पर जेमिनाई बना, और यहां पर इन्होंने डीप सीक महज कुछ 100 आदमियों के साथ कुछ 100 मिलियन डॉलर में बना दिया। ये उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाकर इस सब्जेक्ट पे आप केस स्टडी जरूर देखना, मिस मत करना, क्योंकि इसी से आपको समझ आएगा चाइना वाले दुनिया की फाड़ते कैसे। अच्छा, ऐसे ही उन्होंने अमेरिका की फाड़ दी, क्योंकि जो मैं अगला इनोवेशन बता रहा हूं उससे अमेरिका परेशान है, ये भाई कैसे होगा। हाइपरसोनिक फ्लाइट, मतलब आवाज से, साउंड से 5 गुना तेज गति से दौड़ने वाले ड्रोन्स, दौड़ने वाले फ्लाइट्स, जो कि सिविलियन में यूज किए जा सकेंगे, जो मिलिट्री में यूज किए जा सकेंगे, और यहां पर चाइना से अमेरिका महज 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। टाइम कितना लिया, 5 साल। क्या अभी ये पेपर में डिजाइन लेवल पे की टेस्टिंग हो गई, इसके प्रोटोटाइप की टेस्टिंग हो गई, और इसने एक मैसिव स्पीड अचीव कर ली, Mach 6.56। अब सोचिए, बाकी देश के विमान फ्यूल भर रहे होंगे, वो पार्किंग लॉट से निकल रहे होंगे और मेन रनवे में धीरे 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 जा रहे होंगे, अब तो उनको बैलगाड़ी बोलना पड़ेगा ना हाइपरसोनिक की तुलना में, और यहां पर चाइना का विमान निकलेगा और ठोक देगा सामने वाले। जितनी देर में डिसीजन मेकिंग होगी और कमांड जाएगा और रेडी होंगे और हमारे इंडिया वाले कपड़े लत्ते डालेंगे, उतनी देर में, उतने मिनट में चाइना इंडिया के किसी भी कोने में घुस जाएगा। जागो भाई जागो, जब पड़ोसी इतना तेज हो तो संकट सिर पर हमेशा होता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मतलब
ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स पैदा होंगे उनको एक एक्सटर्नल डिवाइस रिकॉर्ड करेगी और उसके बेसिस पे आर्टिफिशियल लिम्ब एक्शन कर सकेगा या कंप्यूटर कमांड ले सकेगा। हम लोग खूब इलॉन मस्क सुनते हैं क्योंकि वो मीडिया में ज़्यादा रहते हैं। ये जो चीन के लोग हैं ना भाई, ये लोग एड़ा बन के पेड़ा खा लेते हैं, बिना हो हल्ले के बना के सीधा लॉन्च करते हैं और दुनिया जान की हवा बंद हो जाती है। हो क्या गया, यहाँ पर चाइना ने नियो नाम का एक इंटरफेस डेवलप किया जिसको एक पेशेंट में इम्प्लांट कर दिया, वो सक्सेसफुल हो गया और अब उसकी कॉमर्शियल लॉन्चिंग की तैयारी है। और जिस इलॉन मस्क के न्यूरालिंक का हल्ला सुन रहे हैं, अभी जब चाइना से निकलेगा ना तो वही हाल होगा जो डीप सीक ने बाकी सारे एआई का किया और जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट एक दिन के लिए धूल में चला गया। हम लोग क्या कहते हैं, भारत की ताकत है, भारत युवाओं का देश है, एक दिन हम खूब आगे निकलेंगे। दुनिया बूढ़ी हो रही है, चाइना भी बूढ़ा हो रहा है क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत साल चलाई, इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, लोग एज हुए, लेकिन वो चाइना है, है? तुम यहाँ पे पैदा करके उनको डांस करवाते रहो, उनसे रील बनवाते रहो, है उनसे दुनिया जहान की ड्रामेबाजी करवाते रहो। चाइना बचपन से भी जो है ना उनको एक एसेट की तरह बड़ा करता है। एक छोटा सा बच्चा चाइना में जब बड़ा होता है तो क्लास फिफ्थ तक पहुंचते उसको 24 स्किल आ जाते हैं, और हमारे यहाँ का क्लास फिफ्थ का बच्चा ना कपड़ा धोना जानता है, ना बर्तन साफ करना जानता है, ना दीवार में कील ठोकना जानता है, ना फ्यूज रिपेयर करना जानता है, ना पंचर बनाना जानता है। वो सोफे में बैठ के तारक मेहता देखना जानता है, जहाँ पे मम्मी उसको दूध का गिलास आज भी ला के देती है, जागो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। युवा आबादी पे गर्व करने से अब कुछ नहीं होगा क्योंकि चाइना ने ह्यूमेनॉइड बना दिए, आबादी का रिप्लेसमेंट बना दिया ह्यूमेनॉइड। चाइनीज पॉलिसी मेकर्स ने लगातार इस बात पे पुश किया कि हमको ह्यूमन रोबोट चाहिए जो लो कॉस्ट हो, जो ह्यूमंस के काफी करीब हो, जो टफ टेरेंस में काम कर सके, जो ह्यूमंस को बहुत जगह रिप्लेस कर सकें और आबादी पर हमारी डिपेंडेंसी न रहे। और अब जरा टाइमलाइन सुनते जाओ ताकि आपको और मुझे दोनों को अपने ऊपर शर्म आए। 2020 में जिपेंग नाम की एक कंपनी ने ह्यूमेनॉइड बनाने का निर्णय लिया। आश्चर्यचकित करने वाली बात, 2023 में आयन नाम का एक ह्यूमेनॉइड एग्जिस्टेंस में आ गया जिनको मिलिट्री में यूज किया जाएगा, जिनको टफ सिचुएशंस टेरेंस में यूज किया जाएगा, जिनको फैक्ट्रीज में असेंबलीज में यूज किया जाएगा, जहां जहां भी वेरिएशन नहीं है, डुप्लीकेशन है, रेप्लीकेशन है, ब्लाइंडली इनको उतार दिया जाएगा। और जानते हैं जीपेंग ने अगले 20 साल इस प्रोजेक्ट को देने की घोषणा की है, और इन्वेस्टमेंट कितना, 100 बिलियन युआन। और चाइना की सरकार क्या कहती, हमको दुनिया का लीडर इसमें बनना है, कोई इलॉन मस्क, कोई यूएस, कोई दूसरी कंट्री हमारे आसपास खड़ी नहीं होनी चाहिए, तुमको क्या चाहिए वो बोलो। आप ये बात जानकर आश्चर्य हो जाए कि जो 5 इनोवेशंस मैंने आपको बताए, ये 5 इनोवेशंस सिर्फ 5 साल की देन है, एक पॉलिटिकल असर्टिव लीडरशिप की देन है, जनता की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की देन है और देश प्रेम की देन है। क्या इंडिया के लोग कम तेज है? नहीं, बहुत तेज है। क्या इंडिया के लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या इंडिया के लोग देश से प्यार नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन उनको कोई जोड़ने वाला चाहिए, उनको ये तमाम विंडोज पे लाइन में लग लग के परमिशन लेने और छोटे छोटे अधिकारियों को परेशान करने से बचाने वाला कोई चाहिए, और उन सबको कलेक्टिव एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने वाला चाहिए, तभी आप चाइना बन सकते हैं। जहां पे दुनिया बात करती रहती है ड्राइवरलेस कार, चाइना में चालू हो जाता है। जहां पर दुनिया में लोग बात करते रहते हैं फ्लाइंग कार, चाइना में चालू हो जाते हैं। और जहां पर दुनिया में लोग बात करते रहते हैं मिसाइल, सबमरीन, इंडिया अलग अलग देशों से कॉन्टेक्ट करता रहता है, मुझे सबमरीन दे दो, वहां चाइना हर 6 महीने में एक सबमरीन उतार देता है। हम ये कर सकते हैं। फिर से माननीय मोदी जी से अपील, प्लीज सर कुछ कीजिए, देश को एक जगह लाइए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।